सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस एस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल वास्ते तुहाडा स्वागत करता जी। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। कहिंदे ने कि कीप योर फेस ऑलवेज टवर्ड सनशाइन एंड शैडो विल फॉल बिहाइंड यू। जिवें सूरज नूं हैना आपां चढ़दी कला दा प्रतीक मानदे हां, ते हमेशा कहा जांदा कि अपना चेहरा सूरज वल रखिए ना तां आपां नूं हमेशा रोशनी मिलदी आ। जो निराशा हुंदी आ, जिहनूं आपां शैडो कह दिंदे आ, परछावां कह दिंदे आ, वो हमेशा अपने पिछे चला जाता है। आपां नूं पछाड़ के अपना अगे जिहड़ी मंजिल हैगी आपां अपनी अचीव कर लैंदे आ। कोई भी बिजनेस होवे, कोई भी तुहाडे गोल होण, तां हमेशा एक चढ़दी कला दे विच रख के ही आपां उस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा अचीव कर पाउणे हैगे आ। तुहाडे नाल जिहड़ी हैगी आपां दो पासपोर्ट दीआं जिहड़ी हैगी आपणे कोल स्टैंप होके आए ने, आपां उह शेयर करदे आ। विदन टाइमलाइन ते उह एरिया बिलोंग कित्थों करदे ने वीर, उह शेयर करदे आ। एंड एक जिहड़ी आपणे कोल कल रात नूं जिहड़ी हैगी 21 तरीक नूं आपणे कोल पीपीआर आई हैगी, उह तुहाडे नाल शेयर करदे हैगे आ। ते दसदे आ तुहानूं उहदी टाइमलाइन वगैरह प्रोपर है कि ठीक है जी। तुसीं देख सकते हो पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आपां नूं आई है जी 21 जून 2022 नूं। नवदीप सिंह वीरा यह है हनुमानगढ़ राजस्थान तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी फाइल शुरू करने तो पहला लाइक इन द फ्रैश केस है ठीक है। फाइल शुरू करने तो पहला इन्होंने जिवें राजस्थान के थोड़ा इमीग्रेशन फील्ड का गल कर ली, इस इंडस्ट्री का इन्ना ज़्यादा है नहीं गा, मेजोरिटी के सारा कुछ तो इन्होंने पंजाब नूं प्रैफर किया। उस तो बाद इन्होंने अलग अलग एरिए तो इन्होंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स नूं कंसल्ट किया। एंड दैन आफ्टर दैट अपने कोल आए तो जो भी इन्हें डाउट से क्लीयर आउट करके इन्होंने अपने कोल फाइल सबमिट की। अपनी तो फाइल आप जी है इन्हें सबमिट की 29 जनवरी 2022 में, आप इन्होंने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन जी लॉन्च की थी। अपफ्रंट मैडिकल से इस वीर का, सो 7 फरवरी 2022 जोड़ा है इन्हों का मैडिकल पास हो जाता। तो 29 जनवरी आप जिंदा फाइल लॉन्च की, इन्होंने 3 जनवरी जोड़े है इन्होंने आप बायोमैट्रिक जोड़े है करवाते ठीक है जी। उस तो बाद इनकी वीर की फाइल के कोई भी अपडेशन नहीं आती। तो 23 मई 2022 जोड़ा है इन्हों का रिव्यू स्टार्ट होंगे। एंड 21 जून 2022 आपने पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीर ने अपने वाइफ नूं इंडिया बुलाया होया, क्योंकि फॉर सम फैमिली रीजनज उन्होंने मैंने पूछा कि असं बुला सकते हैं। तो मैं कहा मैं चलो कोई नहीं, एक महीने डेढ़ महीने वास्ते बुला लो, क्योंकि इनकी वाइफ की स्टडी जी है ऑनलाइन चल रही है। सो बहुत सारे वीर पूछ लेंगे कि भाई जी कर बुला सकते हैं, बहुत सारे कहें नहीं बुला सकते। बट दीज थिंग्स आर टोटली डिपेंड्स अपॉन केस टू केस कि तुहाडे वाइफ का स्टेटस उत्थे किन्ना है, की चल रहा है, वह वर्क परमिट ते ने, उनका किहड़ा सेमेस्टर चल रहा या की माहौल है, सो उन्हां चीज़ों के बिहाफ के उपर ही जिहड़ा है आप तुहानूं दस सकते हैं भी तुसीं बुला सकते हो या नहीं बुला सकते हैं ठीक है जी। सो हुण आपां अगे डिस्कस करते हैं अपने कोल जो दो पासपोर्ट सबमिट होकर आए स्टैंप होकर आए ने। बलजीत सिंह वीर है जी, ये वीर बिलोंग करते हैं जलंधर तो ठीक है जी। सो इन्हों का पासपोर्ट अपने को आप देखते हैं किन्ने टाइम का जोड़ा है स्टैंप होके आया। तो बलजीत सिंह नाम आ वीर का, जलंधर एरिया तो बिलोंग करते हैं। तो पासपोर्ट इन्हों का अपने को जो स्टैंप होकर आया जी 30/9/2023 तक, क्योंकि इन्हें वाइफ का स्टडी परमिट जोड़ा है वो 7/2023 तक जोड़ा है वैलिड पिया हो। इस वीर का भी अपना फ्रैश केस है जो आप इन फाइल लगाई थी, तो फाइल आप इन सबमिट की जी 9/2021 फाइल जी है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की सबमिट की। सो सैकेंड पासपोर्ट अपने को आया है जी अजय कुमार जी का, लुधियाना तो बिलोंग करते हैं, लुधियाना प्रॉपर लुधियाना स्टे है इन्हों का रेजिडेंस आ, उतों ये बिलोंग करते हैं। तो आ रहा जी इनका पासपोर्ट। एंड सैकेंडली आप देखते हैं कि इनका जो पासपोर्ट स्टिकर होकर आया वह होकर जी 31/12/2022 तक, क्योंकि इनके वाइफ की स्टडी जी है अगस्त के खत्म हो जा रही है। तो उस तो बाद स्टडी परमिट जोड़ा है उन्हों का 2/12/2022 तक जोड़ा है स्टडी परमिट इन्हों का वैलिड पिया हो। एक गल थोड़ी जी ना होर बहुत सारी जरूरी, क्योंकि दो तीन क्लाइंट्स ने कल ये गल पूछी, क्योंकि एक तो वीर चलो फ्रैश केस सीगा, ते बट एक किसी का रिफ्यूजल केस सीगा। वीर कहना दो बार कहना मैं अपनी फाइल जी है लगाई, तो दोनों बार मेरी रिफ्यूजल आई। कहना मैनू मेनली गल होंगी कि मेरी फाइल स्ट्रोंग है, मेरा केस बहुत स्ट्रोंग सी, मेरी जॉब लाइक मैं जॉब भी अपनी कर रहा है जी पार्ट टाइम ठीक है, एक अकाउंटेंट की मैं जॉब कर रहा है पार्ट टाइम बेसिस से होंगी, बट पेमेंट मेरे अकाउंट के आती हैगी, मेरा अपना बिजनेस भी है जी प्रॉपर ठीक है, उन्होंने शॉप हैगी। सो कहना कि मैं वो सारा कुछ करके मेरी मैरिज जी है 4 साल पुरानी हैगी, बट फिर भी जोड़ा है मैंने फाइनैशियल स्टेटस के आधार के उपर एंड आधार के उत्ते, तो कहना जोड़ा मेरा है वीज़ा जोड़ा है भाजी रिफ्यूज़ कर दिता गया। रीज़न की है कहना दो बार रिफ्यूज़ किया, जो रिफ्यूजल केस की पुरानी आप कह देना कि चलो सू पुरानी फाइल दे दो, तो पुरानी फाइल देखने मिलती नहीं स्पैशली, तो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंटली पुरानी फाइल नहीं देखने मिलती। उतर कंसल्टेंट्स कहें साड़ी पॉलिसी नहीं जी हैगी, पहले तो अज तक यह पॉलिसी ही नहीं समझ आई है ना भी है की है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाई तो सब ने अपने अपने बिहाफ से होंगी है। चलो उस तो बाद वो कहता कि मैं दो बार फाइल लगाई, इको कंसल्टेंट ने मेरी दो बार फाइल लगाई, चलो एक बार रिफ्यूज़ होंगे, आप स्पैशली हरेक बंदा पेमेंट वाले पास जाता कि चलो यार इन्नी की फीस दी है क्यों किसी होर पास देनी है, इतों लवा लो। तो वो सब तो व्डा आप उस चीज़ के रिस्क खेडते हैं थोड़े जे पैसों पिछे, अगर आप ठीक है चलो हरेक की आप नहीं गल कर सकते कि किसी का कितना पेमेंट का बनता है कि नहीं बनता, बट उत्थे रिस्क खेड लेंगे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ SOP ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ, SOP ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1295 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1295 ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, 1295 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ 1295 ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਬਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਐਂਡ ਏਨਗਾ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707857530357 7070785037। ਧੰਨਵਾਦ।